द्वारे सरकार का कैंप आज एक बार फिर से पार्क सर्कस के पद्मपुर मैदान में वार्ड नंबर 54 के लोगों के लिए लगाया गया, जिसमें आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर पश्चिम बंगाल सरकार की स्कीमों से लाभ उठाया। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी स्कीम को लेकर देखी गई। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, एई कोश्री, कन्याश्री समेत कई अन्य स्कीमों को लेकर लोग खुद एनरोल करते देखे गए। इस अवसर पर कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC और वार्ड नंबर 54 के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि द्वारे सरकार से आज भी बड़ी संख्या में लोग फायदा उठा रहे हैं और यही माँ माटी मानुष सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उनका कहना था कि आज जो हथियार बरामद हो रहे हैं वो सब ओपोजिशन का काम है, क्योंकि TMC हथियार पर नहीं बल्कि जनता पर भरोसा करती है और जनता ही TMC का हथियार है। इस तरह से द्वारे सरकार पब्लिक को कहीं इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह में कैंप लगता है। बैंक अकाउंट से लेके स्वास्थ्य साथी, लक्की भंडार, हर एक प्रकल्प जो है यहाँ अवेलेबल रहता है और इसी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर ही जो है अपना काम करवा रहे हैं। देखिए, पहले जो है BJP, CPM, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया था कि ये द्वारे सरकार ये गलत है, ये झूठ है, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। लोग जो है इसी तरीके से तादाद से दिन बर दिन भीड़ बढ़ते जा रही है, जब काम हो रहा है तभी बढ़ रही है। तो 2021 में जो इलेक्शन हुआ है तो क्या लगता है उसके जीत का जो पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है द्वारे सरकार? देखिए, 21 में पहले द्वारे सरकार 21 में थी, ममता बनर्जी ने कहा था कि द्वारे सरकार हम लोग जो है घर घर में लोग को पहुँचाएंगे, दीदी जो बोलती हैं वो करती हैं, अब मोदी जो बोलता है वो कभी नहीं होता। इस वक्त पूरे कलकत्ता शहर और बंगाल में डेंगू मलेरिया को लेकर बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर आपने वार्ड में आपने क्या क्या किया? देखिए, डेंगू मलेरिया के लिए मैंने नहीं, मेयर साहब ने हर जगह मच्छरदानी दिया जा रहा है, साफ सफाई के लिए किया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि पानी जो है खुला ना रखें, ढाक के रखें, और जहाँ पर ही प्लास्टिक का काम है, जहाँ पर ही देखते हैं टायर का काम है, जहाँ बहुत दिन से सालों साल से घर बंद है, वहाँ लोग आना जाना नहीं करते, छत पे इस तरह का जो है पानी पड़ा है, जमा है, इसके लिए डेंगू फैल रहा है, उसमें भी बहुत तरह से हम लोग ने, मेयर साहब ने बहुत तरह से और डिप्यूटी मेयर अतीन घोष जिस तरह से पब्लिक के साथ में काउंसलर को अपने इलाके में काम करने की जो निर्देश दिए, आज धीरे धीरे ये डेंगू का मामला धीरे धीरे कम हो रहा है। BJP की ओर से बार बार इसको लेकर प्रचार किया जा रहा है, आज भी असेंबली में किया गया वॉकआउट, BJP महिला मोर्चा प्रचार कर रही है कि डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए KMC फेल। देखिए, ये तो पूरे पब्लिक देख रही है, पौरसभा में जो जो काउंसलर हैं यहाँ, तो BJP या CPM कांग्रेस खाली TMC को नहीं बोला जा रहा, वहाँ CPM भी हैं, तो उसके मतलब जहाँ CPM BJP है वो काउंसलर कोई काम नहीं कर रहे उनके इलाके में, मगर पब्लिक को गुमराह करने की जो कोशिश है BJP का, अपोजिशन का जो मामला है, आप बताइए, हर जगह में काम हो रहा है, काउंसलर जो जीत के आते हैं उनको निर्देश है कि पब्लिक के लिए काम कीजिए, आप जहाँ जहाँ देखिए पानी साफ जो खुला है उसको बंद कराइए, टैंकी में पानी खुला है उसको बंद कराइए, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रहा है वहाँ पर नोटिस कराइए, हम लोग ने बहुत सारे नोटिस किए, हमने बहुत सारे कंप्लेन किए हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, पुलिस को कंप्लेन हुआ है, आज जाइए आप, आपको कई हम नोटिस दिखा सकते हैं जिस तरह से हम लोग ने एक्शन लेने की कोशिश की और डेंगू को रोकने की कोशिश की। ग्रामीण इलाकों में इलेक्शन होने जा रहा है और अभी देखा जाए कि बंगाल में बहुत जगहों से हथियार बरामद हो रहा है, इसमें बहुत जगह पर TMC के लोकल नेताओं का नाम आ रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो हथियार कौन रख रहा है ये तो आपको भी पता चल जाएगा, अपोजिशन वाले अपने आप को कमज़ोर समझते हैं इसलिए हथियार रखते हैं, जो पोजीशन में है गवर्नमेंट उनकी है, हर जगह में उनका काम हो रहा है, उनको हथियार रखने की क्या ज़रूरत है? जो लोग काम नहीं करते उनको हथियार रखने की ज़रूरत है? हथियार तो हमारे पब्लिक है, पब्लिक वोट देगी, हमें हथियार रखने की क्या ज़रूरत है? आइंदा कब हो रहा है आपके वार्ड में द्वारे सरकार? इसके बाद 28 तारीख को फिर इसी पद्मपुर मैदान में सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक द्वारे सरकार फिर से चलेगा। बहुत शुक्रिया।